दोस्तों Xiaomi ने यहाँ चाइना में Mi.com के ज़रिए अपने Redmi Note 8 सीरीज़ की रजिस्ट्रेशन को ओपन किया एंड एक धमाका हुआ। धमाका क्या था कि इस फ़ोन ने 1.5 मिलियन के मार्क को टच किया है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ही बात करूं तो 1.51 मिलियन के अराउंड रजिस्ट्रेशंस हुई हैं Mi.com में नोट 8 सीरीज़ के फ़ोन के लिए। एंड ये चीज़ जो है वो MI के लिए नई नहीं है, क्योंकि हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला था कि नोट 7 सीरीज़ जो Xiaomi की है उसने 20 मिलियन के मार्क को टच किया है। तो यहाँ पे Xiaomi के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आई जा रही है एंड Xiaomi फैंस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है नोट 8 सीरीज़ में, स्पेशली नोट 8 प्रो में, जिसके लिए इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई हैं चाइना में। एंड ऑब्वियसली चाइना के बाद टारगेटेड मार्केट जो होगी लॉन्च करने के लिए वो इंडिया ही होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर करना। सो अगर आप 15,000 से 18,000 के बीच में फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वेट फॉर Redmi Note 8 Pro, इंडिया में जल्द ही लॉन्च होगा, बहुत वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होने वाला है अगर अच्छे प्राइस में लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। तो दोस्तों अगर मैं नोट 8 सीरीज़ की बात करूं तो इसमें दो डिवाइसेज आपको देखने को मिलेंगे, एक नोट 8 जो कि नोट 7 का सक्सेसर होगा और नोट 8 प्रो जो कि नोट 7 प्रो का सक्सेसर होगा। सक्सेसर का एक्चुअल मीनिंग ही यही होता है कि कुछ अपग्रेडेशंस लेके आए। चलिए बात करते हैं स्पेशली नोट 8 प्रो की। एक चीज़ तो पहले से क्लियर थी कि इसमें 64 मेगापिक्सल का आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा। कुछ Xiaomi की तरफ से इमेजेस भी यहाँ पे रिवील हुई हैं जिसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्वाड कैमरा का सेटअप होगा जिसमें आपको वाइड एंगल, डेप्थ सेंसर और इनफैक्ट माइक्रो लेंस भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो इस पर्टिकुलर हैंडसेट को लेके बाहर आई है, अगर तो वो सच हुई तो ये फ़ोन जो है बजट सेगमेंट में मे भी आपको फ्लैगशिप लेवल का फीचर दे दे। वो फीचर है 25x जूम का सपोर्ट। ऐसा मैंने सुना है रूमर्स में एंड मे भी ये सच भी हो कि इस पर्टिकुलर फ़ोन में आपको 25x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप फ्लैगशिप लेवल से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता इस फ़ोन को और कोई बीट कर पाएगा। इसके अलावा डिज़ाइन को लेके जो चीज़ें सामने आई हैं आप देख सकते हो, इमेजेस में आपको क्वाड कैमरा दिखता है एंड कलर बहुत ज़्यादा उम्दा है जो इमेजेस के ज़रिए बाहर निकला है। क्वाड कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की जहाँ तक मैं बात करूँ इन डिस्प्ले नहीं मिलता, पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल है कि आपको रियर साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और मुझे नहीं लगता है इसके लिए हमें इतना सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देने के बाद कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, तभी जो है प्राइस जो है वो बजट में रहेगा, वरना K20 की तरह प्राइस जो है वो 20,000 को क्रॉस कर सकता है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो इसमें जो है MediaTek की तरफ से लॉन्च किया हुआ गेमिंग प्रोसेसर यानी MediaTek का हीलियो G90T इसमें दिया गया है। अब गेमिंग प्रोसेसर है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी। हीटिंग इश्यूज को बचाने के लिए Xiaomi आपको इसमें लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो सो बजट सेगमेंट में इस बार आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स मिलने वाले हैं फॉर श्योर। अब इससे भी बड़ा खुलासा जो Xiaomi की तरफ से हुआ है इस पर्टिकुलर फोन को लेके वो है इंक्रीज इन बैटरी बैकअप। आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि फाइनली Xiaomi के 4000 वाली जो एक प्रथा चलती आ रही थी उससे बाहर निकाल के आपको थोड़ी ज़्यादा बैटरी फाइनली इस फ़ोन में आपको देखने को मिली है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा एंड सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो मैं Xiaomi से करता हूँ वो ये कि प्लीज़ आउट ऑफ द बॉक्स आप फास्ट चार्जर दे देना, मुझे सेपरेटली नहीं खरीदना है। मे भी आप फ़ोन में 200-300 ज़्यादा चार्ज कर लो, बट प्लीज़ फ़ोन के बॉक्स में ही इस चार्जर को अवेलेबल करवाओ, मुझे एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है। सो अगर मैं कंक्लूजन में बात करूँ, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा एंड हर एक चीज़ इस फ़ोन में आपको बढ़िया मिलने वाली है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस बार कोई भी रीज़न नहीं बनता जिसके लिए मैं ये कहूँ कि आप किसी और फ़ोन को ले लो, Redmi Note 8 सीरीज़ के फ़ोन्स के लिए वेट मत करो। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप Redmi Note 8 Pro का ज़रूर वेट कीजिए, क्योंकि चाइना के बाद ये डायरेक्टली इंडिया में लॉन्च होगा एंड 29th August को ये चाइना में ऑफिशियली लॉन्च होगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता एक डेढ़ या दो महीने से ज़्यादा का टाइम लेगा, उससे पहले ही इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड प्रॉमिस करता हूँ कि इंडिया में जैसे ही लॉन्च होगा आई विल परचेज दिस फ़ोन, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशंस देख के मुझे नहीं लगता कि मैं रोक पाऊँगा खुद को इस फ़ोन को लेने के लिए
पर्सनली फिलहाल मैं नोट 7 प्रो यूज़ करता हूँ, बट फॉर श्योर मैं खुद को अपग्रेड ज़रूर करूँगा नोट 8 प्रो की तरफ। एंड गाइज ये चीज़ तो माननी होगी कि नोट सीरीज़ जब भी Xiaomi की आती है वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर करती है, चाहे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ चाहे किसी भी चीज़ की बात करूँ। स्पेसिफिकली प्रोसेसर की बात करूँ, नोट 5 प्रो 630 को लेके आया था पहली बार इंडिया में, नोट 7 प्रो 675 को लेके आया, एंड फाइनली यहाँ पे जो नोट 8 प्रो है वो MediaTek का Helio G90T को लेके आएगा, जो कि एक गेमिंग लेवल का प्रोसेसर है। एंड उसके जो बेंचमार्किंग स्कोर हैं वो 730 को टक्कर करते हैं, यानी उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो 710 से ऊपर है एंड ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन देते हैं 730 को। तो अगर ये फ़ोन 15 से 18 के अराउंड लॉन्च होगा तो ये मार्केट में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करेगा Realme X एंड इनफैक्ट K20 का जो बेस वेरिएंट है उसको भी टक्कर देने की पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये मार्केट में लॉन्च होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।